इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जो कि मात्र 20-29 बिलियन डॉलर्स के आसपास की थी, इस साल एक बड़ा लैंडमार्क क्रॉस किया है 100 बिलियन डॉलर्स का। 105 बिलियन डॉलर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन देश में इस साल हुआ है। इसमें आपने देखा मोबाइल में भी एक बहुत बड़ा लैंडमार्क क्रॉस हुआ, 10 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट्स का। पिछले साल 11 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट हुआ मोबाइल फोन, और वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के तौर पे इंडिया इमर्ज हुआ है। अब इस मोमेंटम को आगे बढ़ाते हुए किस तरह से आईटी हार्डवेयर यानी लैपटॉप, सर्वर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स और एक नए तरह के कंप्यूटिंग यूनिट्स आ रहे हैं जो कि एज कंप्यूटिंग में जिनका उपयोग खूब होगा, इन सब के लिए आज एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूनियन कैबिनेट में पीएलआई फॉर आईटी हार्डवेयर अप्रूव की है। पीएलआई फॉर आईटी हार्डवेयर पहले से इसका एक वर्जन था जिसमें जो कुछ भी सुधार करना था और जो कुछ भी फीडबैक मिला इंडस्ट्री से उसके बेसिस पे उसमें बहुत अच्छे मॉडिफिकेशंस किए गए और वो आज कैबिनेट में अप्रूव हुए। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जिस तरह की प्रोग्रेस देखी वैसी ही टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में भी हुई है। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में 42 कंपनीज ने जो फर्स्ट ईयर में 900 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट करना था उसकी जगह करीब करीब 1600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है दैट टू ऑफ दोज कंपनीज हैव बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड फॉर वेरी कॉम्प्लेक्स रेडियो इक्विपमेंट। यूएस, जर्मनी, फ्रांस और बहुत जल्दी यूके, यहां पर इंडिया से टेलीकॉम इक्विपमेंट एक्सपोर्ट होने लग गए। सो दैट इज द बिग पिक्चर इन विच वी हैव टू सी द रोल ऑफ आईटी हार्डवेयर। आईटी हार्डवेयर आपने देखा होगा कि उसका भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है। तो इस कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में किस तरह से आईटी हार्डवेयर की फर्म्स को, कंपनीज को इंडिया में लाएं, उनको लोकलाइज करने के लिए इंसेंटिव दिया जाए, कैसे उनका कंपोनेंट का इकोसिस्टम इंडिया में बने, कैसे हमारी इंडियन कंपनीज एक सिस्टमेटिक वे में ग्रो हो जिससे कि उनकी भी कैपेबिलिटीज बढ़े, उनकी कैपेसिटी बढ़े और फ्यूचर में डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग का कॉम्बिनेशन करके इंडियन ब्रांड्स डेवलप हो। इन सब को ध्यान में रखते हुए बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम आज अप्रूव हुआ है